Hey guys, welcome back to another episode of Interesting Channel. आज की इस एपिसोड में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ विडगेट के बारे में. एक्चुअली विडगेट नहीं है, इसको गूगल कहता है. विडजेट. जी हाँ दोस्तों, इसको गूगल कहता है विडजेट. विडजेट होता है एक छोटा एप्स. मतलब आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो डिस्प्ले है, एंड्रॉयड मोबाइल का बात कर रहा हूँ मैं, उसके उस डिस्प्ले के अंदर आपको छोटा सा एक कैलेंडर दिखता है. कभी दिखता है आपको छोटा सा एक क्लॉक, और कभी कभी तो आपको वेदर भी देखने को मिल जाता है. इसको कहते हैं विडजेट, यानी कि विडजेट. तो इस विडजेट की मदद से बस आप वेदर, क्लॉक और अलार्म बस यही काम नहीं कर सकते, इसके मदद से आप और भी काफ़ी सारा काम कर सकते हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा. तो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो टॉप 6 विडजेट के बारे में, यानी कि विडजेट के बारे में. तो जितना टाइम आप एंड्रॉयड ऐप्स के यूज़ करने के लिए इन्वेस्ट करते हो, वो सारे चुटकियों में गायब होने वाले हैं. बस एक क्लिक के माध्यम से आप काफ़ी काम कर सकते हो, जो और दूसरे ऐप के थ्रू आप करने के लिए आपको काफ़ी बार दबाना पड़ता है. यहाँ दबाओ, वहाँ दबाओ, करते करते आप थक जाते हो. लेकिन विडजेट की मदद से आप एक क्लिक में अलार्म सेट कर सकते हो. आप एक क्लिक में कोई टास्क अगर लिखना है तो वहाँ लिख सकते हो. एक क्लिक में आप व्हाट्सएप देख सकते हो, कौन मैसेज किया है, क्या नहीं किया. यानी कि बस ये तो एग्जाम्पल है, और आगे आगे क्या कुछ हो सकता है बस विडजेट की मदद से आप देखते चलिए. तो बने रहे मेरे साथ, और पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए सारे लिंक मिल जाएगा, और आप प्ले स्टोर पे भी सारे विजेट को डाउनलोड कर सकते हो. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो वीडियो के राइट साइड में आपको मोबाइल का डिस्प्ले दिख रहा है. तो पहला क्वेश्चन, विजेट कहाँ मिलेगा, आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है वहाँ विजेट कहाँ मिलेगा. तो आपको पहले होम स्क्रीन में एक उंगली रख के उसको लॉन्ग प्रेस करना है, या तो दो उंगली को लेके पिंच करना है. यानी कि आप जूम इन करते हो जैसे मोबाइल का कोई फोटो, ऐसे आपको जूम इन करने के टाइम जैसे आप दो उंगली को लेके करते हो, ऐसे करना है. उसके करने के बाद आपके सामने खुल जाएगा विडगेट का ड्रॉयर. यहाँ आपको हर एक विडगेट मिलेगा जो फ़ोन पे पहले से इंस्टॉल है, या तो आपने बाद में उसको इंस्टॉल किया है. कोई भी विडगेट के ऊपर आप एक बार क्लिक करके उसको पकड़ के रखोगे तो वो होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, एंड उसके बाद आप कोई भी विडगेट को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो. तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अभी गाना सुनने का मन कर रहा है, और गाना मुझे कौन सा सुनना है ये मुझे पता नहीं है. और एक बात, मुझे गाना सुनना तो है लेकिन वो भी एक क्लिक में. तो आपका हाल भी मेरे तरह है. तो आपके लिए फर्स्ट विडगेट है गूगल म्यूजिक. इस विकेट पे क्लिक करते ही आपके सामने गाना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप चाहते हो तो आप दूसरा क्लिक करके गाना को बदल भी सकते हो. नंबर 2 पे है व्हाट्सएप विडगेट. इसको होम स्क्रीन पे लाने के बाद आप इसको रिसाइज कर सकते हो. अब इस व्हाट्सएप विडगेट के मदद से कोई अगर आपको मैसेज करता है तो आप मैसेज देख सकते हो, और भी इसको आप रिसाइज करके छोटा बड़ा जितना आपका फैसिलिटी आप इसका है, और जैसे आपका मर्जी आप इसको बना सकते हो. नंबर 3 पे है ऑन टाइम. इस ऐप्स के मदद से आप होम स्क्रीन के ऊपर 4-5-6 ऐप्स का एक सेट बना सकते हो, और ये टाइम के हिसाब से बदलता जाएगा. जैसे कि सुबह के टाइम के लिए अगर 6 ऐप सेट करते हो, या तो जितना आप चाहो 5-6 जितना आप सेट कर सकते हो. उसके बाद इवनिंग के लिए भी सेट कर सकते हो. अब इस पे सेटिंग के जाने के बाद आप दिखेगा आपको मॉर्निंग बोल के, यहाँ आपका जो एडिट करने का ऑप्शन है, इस पेन जो ऑप्शन दिख रहा है पेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सेट करने का कौन सा ऐप्स आप सेट करना चाहते हो, और इसको सेट करके उसके बाद जो राइट क्लिक दिख रहा है उसके ऊपर आप जैसे क्लिक मारोगे वो सारे ऐप्स आपका मॉर्निंग के शेड्यूल में सेट हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ आपने विडगेट को रखा है वो सारे ऐप्स वही टाइम पे आपको दिखेगा. आपको इसका सेटिंग पे जाना है, और उसको सेटिंग के जाने के बाद आपको और भी सेटिंग मिलेगा, और सारे आप जो जो चीज़ चेंज करना चाहते हो. अगर आप चाहते हो कि आपका मॉर्निंग का शेड्यूल अलग है, मॉर्निंग अगर चेंज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ऐप्स का जो ट्रे है वो थोड़ा डिफरेंट कलर का हो, डिफरेंट साइज का हो, छोटा बड़ा, जितना सारा कुछ आप बनाना चाहते हो सब कुछ आप इसके अंदर बना सकते हो एडिट करके. नंबर 4 पे है क्विक अलार्म. कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, और अभी मुझे एक क्लिक पे बस आधा घंटा या एक घंटा का एक अलार्म सेट करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऐप्स जो है वो है क्विक अलार्म. इसके अंदर आपको बेसिकली 6 बटन दिखेगा, एक है प्ले, एक है स्टॉप, एक है सेटिंग, और 3 टाइम का सेट, एक है 1 मिनट, 10 मिनट और 60 मिनट. अब इसी 3 मिनट को आप प्लस माइनस करके जैसा मर्जी 10 मिनट 20 मिनट का टाइम आप सेट कर सकते हो, और एक ही क्लिक मारते ही आपका अलार्म सेट. उसके बाद सेटिंग के अंदर भी आप जा सकते हो. सेटिंग के अंदर आपका दिया हुआ कि आपका लॉक स्क्रीन ऑफ करोगे तो अलार्म बंद हो जाएगा, नहीं होगा, ये सारे जो सिस्टम है वो आप खुद भी कर सकते हो, आप देख लेना. नंबर 5 पे है कोड्स.
दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऐप आई एवर सीन। इसके अंदर आपको तरह तरह का कोर्स मिल जाएगा जिसको आप अपने होम स्क्रीन पे रख सकते हो और एक क्लिक मारते ही वो चेंज हो जाएगा। अगर आप कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो चेंज होगा, आप उसको जहां मर्जी रख सकते हो होम स्क्रीन के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं सेटिंग के अंदर क्या क्या है। अब इसका जो सेटिंग के अंदर आप जाओगे तो सेटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। ये जो चार है आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप जैसे फॉन्ट का कलर बनाना चाहते हो बना सकते हो। उसके बाद आपका जो ऑथर है उस कोर्स का, उसका कलर बना सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर फॉन्ट का स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप फॉन्ट का स्टाइल भी बदल सकते हो। और आप अप्लाई पे क्लिक मारोगे तो आपका कोर्स का कलर और जो जो चेंज आपने किया है, अगर आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है, बैकग्राउंड पे बस होम स्क्रीन ही दिखना है, कोई ब्लैक शेडो नहीं दिखना है, तो वो भी आप सारे कुछ अगर चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो आप सेटिंग के अंदर जाना और सेटिंग के अंदर सारे देख लेना। तो लास्ट विजेट है स्टाफ। स्टाफ के अंदर आप अपना जो काम का शेड्यूल है, आप कोई भी अगर नोट डाउन करना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको टुडे, टुमारो और अपकमिंग शेड्यूल सब कुछ का एक छोटा सा ऐड बॉक्स मिलेगा। और आप होम स्क्रीन के अंदर कुछ भी आप चाहते हो ऐड करना तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, अगर काम आपका हो चुका है तो आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। और इसको आप होम स्क्रीन के ऊपर ही रख सकते हो, हमेशा आपको ऊपर से दिखेगा, कोई ऐप्स खोलने का जरूरत नहीं। इसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। और अगर आप होम स्क्रीन पे रखोगे तो आपको हमेशा आँख के सामने आपका रहेगा, तो आप इसको देखोगे तो आपका काम जल्दी जल्दी खत्म होने का चांसेस रहता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो बस दिस इज ऑल ऑफ इट दोस्तों। तो आज के लिए जो बेस्ट विजेट है वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ, मैं काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट बताना अगर किसी भी ऐप्स को आप नहीं कर पा रहे हो एक्सेस सही तरीके से। और आपको वीडियो के जो लिंक है नीचे आपके जो डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ जाके देखिए, आपको सारे ऐप्स मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाके प्ले स्टोर पर भी सर्च मार सकते हो। और अल्टीमेट द बोनस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ही अगर कोई विजेट अगर डेवलप खुद करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए मैं लाया हूँ द अल्टीमेट विजेट मेकर KWGT। इसके अंदर आप तरह तरह का विजेट बना सकते हो। अगर आपको कोई भी विजेट बनाना है तो पहले आपको होम स्क्रीन पे टैप करके इसका वर्शन ऐड कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर घुसोगे और उसके अंदर आपको पहले बेसिक पैक मिल जाएगा। तो बेसिक पैक मिलेगा और इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारा विजेट भी मिल जाएगा। इसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद चाहो कि मैं खुद डेवलप करना चाहता हूँ कोई विजेट, तो वहाँ आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और उसके मदद से आप कोई भी ऐप्स का कोई भी विजेट जो जो यहाँ दिया हुआ है उसको एडिट कर सकते हो, खुद का विजेट भी बना सकते हो जैसे आपको दिख रहा है। यहाँ से आप अपना खुद का विजेट डेवलप कर सकते हो, अपना मन पसंदीदा विजेट आप डेवलप करके खुद भी यूज कर सकते हो और उसको आप प्ले स्टोर में पब्लिश भी कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर मैं सबका मोटा मोटा तौर पर आपको ट्यूटोरियल दे चुका हूँ इसका, लेकिन ट्यूटोरियल मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल बन जाएगा, तो उसके लिए मैं दे पा रहा हूँ। तो आप यूट्यूब पर सर्च मारिए अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई और दूसरा जानकारी KWGT के बारे में चाहिए। एक काफी एडवांस्ड विजेट ऐप्स है, विजेट मेकर है खुद। बस जो लोग थोड़ा एडवांस है, जो लोग थोड़ा रिसर्च करना पसंद करते हैं, थोड़ा वो रेडीमेड माल उसको नहीं चाहिए, तो उसके लिए बस एक छोटा सा तोहफा है। तो आप इस सारे विजेट को यूज कीजिए और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो तो आप जरूर करना। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सी यू, God bless you. So, if you really like this episode, then click on the like button. And thank you so much, guys, for watching this episode. अगर आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, to stay updated, तो इस bell icon पे जरूर क्लिक करना। क्योंकि यही वो घंटा है जो आपको सूचित करेगा जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा सिर्फ आपके लिए।